नौकरी और बेरोजगारी के मुद्दे पर आए दिन बवाल मचते रहते इस मुद्दे को लेकर एक बार फिर कांग्रेस और बीजेपी की जुबानी जंग शुरू हो गई है। कांग्रेस के राष्ट्रीय मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर नौकरियों को लेकर हमला बोला है। उन्होंने प्रधानमंत्री पर झूठे वादे करने का भी आरोप लगाया है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट लिखा, नरेंद्र मोदी जी कल आप मुंबई में नौकरियां देने का झूठ का मायाजाल बुने थे। मैं आपको फिर से याद दिलाना चाहता हूं कि आपने नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी NRA की घोषणा करते हुए क्या कहा था। मल्लिकार्जुन खड़गे ने आगे लिखा, अगस्त 2020 में आपने कहा था कि NRA करोड़ों युवाओं के लिए वरदान साबित होगी। सामान्य पात्रता परीक्षा के माध्यम से यह कई परीक्षाओं को समाप्त कर देगा और कीमती समय के साथ साथ संसाधनों की भी बचत करेगा। इससे पारदर्शिता को भी बड़ा बढ़ावा मिलेगा। मल्लिकार्जुन ने अपने पोस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से तीन सवाल भी किए। पहला, NRA ने पिछले 4 वर्षों में एक भी परीक्षा क्यों नहीं कराई? दूसरा, क्यों NRA में 1,15,17.57 करोड़ का फंड मुहैया कराने के बावजूद 4 वर्षों में अब तक केवल 58 करोड़ खर्चा किए गए हैं? तीसरा, NRA सरकारी नौकरियों की भर्ती के लिए संस्था बनी थी, क्या जानबूझकर NRA को निष्क्रिय रखा गया ताकि SC ST OBC व EWS युवाओं से उनके आरक्षण का हक छीना जा सके? कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने आगे कहा कि NTA से धांधी पेपर लीक व घोटाला कराया गया और NRA से परीक्षा ही नहीं करवाई गई। ऐसा क्यों? शिक्षा प्रणाली को तहस नहस करने का और युवाओं के भविष्य को तंग तबाह करने का बीड़ा बीजेपी RSS ने उठाया है। उन्होंने कहा कि हमने NRA का मुद्दा पहले भी उठाया था, लेकिन मोदी सरकार मौन व्रत धारण करके बैठी हुई है।